अच्छी रेस कॉम्पिटिशन हो रही है। शुद्ध हवा और एम्फी
110 बच्चों ने इसमें भाग लिया है। समाज के लगभग हर चरित्र को बच्चों ने यहाँ पर बखूबी निभाया है, चाहे वो धार्मिकता का पुट हो, अर्थात भगवान श्री राम, श्रवण कुमार, भगवान बुद्ध, महावीर, हनुमान जी, उसके बाद देशभक्ति के ऊपर भी कुछ बच्चों ने बहुत अच्छे चरित्र निभाए हैं। जैसे कुछ बच्चे सैनिक बने हैं, तो कुछ बच्चों ने भारत माता बनकर जो है अपनी देशभक्ति का परिचय दिया है, कुछ बच्चों ने किसान बनके अपना जो है कर्तव्य निभाया है, कुछ बच्चों ने बाबा रामदेव, अन्ना हजारे बनकर भी अपने चरित्र को बखूबी निभाया है। कुछ बच्चे ही नेताओं के रोल में नज़र आए हैं। देखा गया है कि नेताओं के रोल में बच्चे अब उतनी रुचि नहीं ले रहे हैं जितनी पहले लिया करते थे। आज कुछ बच्चे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और नरेंद्र मोदी, आज के दौर में बच्चे नरेंद्र मोदी जी को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। एक बच्चा नरेंद्र मोदी जी की भूमिका में बहुत सटीक नज़र आया। कुछ बच्चों ने पर्यावरण के ऊपर से भी बहुत अच्छा संदेश दिया, कुछ बच्चे वृक्ष बने, कुछ बच्चों ने सेव गर्ल के ऊपर भी अच्छा संदेश दिया। समाज में व्याप्त जो बुराइयां हैं इनके ऊपर भी बच्चों ने बड़े ही अच्छी तरह से चरित्र निभाकर मैसेज दिया। इस तरह की प्रतियोगिता आयोजित करने का केवल एक ही उद्देश्य रहता है कि बच्चे समाज में व्याप्त तरह तरह के चरित्रों को बखूबी समझें, अगर वो अच्छे हैं तो उनको अपनाएं, अगर वो बुरे हैं तो उनसे वो दूर रहें, लेकिन उनको पहचानना बहुत ज़रूरी है। इस तरह की प्रतियोगिता का एक और फ़ायदा है कि बच्चों के अंदर जो आत्मविश्वास की कभी कभी कमी आ जाती है, वो आत्मविश्वास इस प्रतियोगिता से उनका बढ़ता है और ये उनकी स्टडी में, पढ़ाई में भी बहुत सहायक सिद्ध होता है।